जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में मौजूद प्रबुद्ध वर्ग व पार्टी कार्यकर्ताओं को भी केंद्र व राज्य सरकार की प्रभावी योजनाओं के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री ने प्रदेश के आगामी चुनाव में पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा की। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, बीजेपी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए उन वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और इसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं किसी भी क्षेत्र में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उन तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश है और उनको वो सम्मान देने की कोशिश है जिनके वो हकदार हैं। मैंने उसके लिए प्रेस किया था और एक चीज का दावा दे चुका हूँ, झूठ का तो कोई वो नहीं, कुछ भी बोलते नहीं, लेकिन सबको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जल जीवन मिशन में बहुत अच्छा काम कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम जल्दी लोगों के घर तक पानी पहुँचाएंगे। और इसी खबर पर सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ गए हैं। अबरार, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए बीजेपी की कोशिश है जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की, खासकर एक खास वर्ग को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही, भले ही जो पार्टी के बड़े नेता ये इस बात को सिरे से खारिज करें कि हमारा जो मकसद है वो सभी लोगों का है कि वो सारा वर्ग जो बुद्धिजीवी है जिसकी अनदेखी की गई, लेकिन अगर लिस्ट की अगर बात करें उसमें ज़्यादातर लिस्ट में जो नाम है वो एक ही वर्ग के नज़र आते हैं। सीतापुर में आज प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें महेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे थे और इसके अलावा पार्टी के अन्य कार्यकर्ता, सांसद और जिला अध्यक्ष, अन्य सभी लोग मौजूद थे उसमें। और प्रबुद्ध लोगों का यही इसीलिए रखा गया था कि प्रबुद्ध लोगों को समझाया जा सके और किस तरह गांव गांव जाकर सभी को एक समझाना है, किस तरह से सरकार की उपलब्धियों को बताना है। उनका साफ तौर पर कहना था जो सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो और जो राज्य सरकार ने जो कार्य किए हैं उनको केवल आपको समझाना है और जो नेगेटिव बातें हैं वो अन्य पार्टियों की जो कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन जो सरकार की जो इनके कार्यकर्ता है जो रूठे हैं उनको सबको एक साथ मिलाने की जरूरत है और सभी को एक साथ मिलाने हैं और गांव गांव जाकर लोगों को समझाना है सरकार की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है अबरार, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसी पर बात करेंगे आगे भी। और अब बात करेंगे बलिया की। बलिया पहुंचे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस